लखनऊ के घंटाघर में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब सादिक के बेटे सहित कई प्रदर्शनकारियों पर सीए और एनआरसी के विरोध, ट्रैफिक जाम, धारा 144 के उल्लंघन में लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए। घंटाघर पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं के समर्थन में कल सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला। घंटाघर के चारों ओर घूम घूम करके निकाला गया था ये जुलूस। जुलूस की वजह से घंटाघर पर लगे जाम और धारा 144 के उल्लंघन में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ठाकुरगंज थाने में 10 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। 143, 188, 283, 253 और CL7 के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे सहयोगी गगन हमारे साथ फुलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। गगन, अब जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि सरकार और पुलिस बहुत सख्त है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के, किसी भी हालत में इसे खत्म करना चाहती है। आवाज आ रही है गगन? एफआईआर में कल, क्योंकि कल मुस्लिम धर्मगुरु कल्ब सादिक पहुंचे हुए थे और उनके बेटे भी पहुंचे हुए थे कल्ब सादिक, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि जब कल्ब सादिक वहां पहुंचते हैं तो काफी सैकड़ों लोगों के साथ वो एक जुलूस निकालते हैं जिसमें ट्रैफिक जाम लगता है, साथ ही साथ शांति भंग होती है क्योंकि वहां पर जी। पहले गगन हमारे साथ आप बने रहिए, आपकी तरफ मैं फौरन लौटता हूं। हमारे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना बिलाल साहब फुलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। मौलाना बिलाल साहब, क्या कहेंगे इन गिरफ्तारियों को लेकर के और इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने को लेकर के जो सरकार और पुलिस कर रही है विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर? मुझे लगता है कि संपर्क मौलाना बिलाल साहब से टूट गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि किसी मुस्लिम धर्मगुरु से उनकी प्रतिक्रिया ले सके, लेकिन गगन हमारे साथ में फुलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। गगन, इन तमाम चीजों को लेकर के लखनऊ में प्रतिक्रियाएं किस तौर पर हैं? देखिए, लगातार जब पहली एफआईआर होती है घंटाघर में हो रहे प्रदर्शन में जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला के खिलाफ दर्ज होती है, साथ ही साथ कई और महिलाएं थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो काफी आक्रोश होता है क्योंकि पुलिस ने पहले ही कह रखा था कि वहां पर मुस्लिम महिलाओं के अलावा कोई भी पुलिस एंट्री नहीं करेगा, वहां पुलिसों को जाना प्रतिबंध था। उसके बाद कंबल बांटे जाते हैं, पुलिस को आरोप लगता है कि कंबल छीन ले जाते हैं, खाना जो बांटा जा रहा है वो छीन ले जाता है लगातार। उसके बाद एफआईआर होती है, आज चौथी एफआईआर हुई है जिसमें कल्ब सादिक के बेटे की भी एफआईआर में नाम है, तो साफ तौर पे एक आक्रोश तो है ही है महिलाओं के ऊपर क्योंकि ठंड के मौसम में अगर कंबल छीन ले जाए या एफआईआर दर्ज हो तो काफी आक्रोश वाली स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन पुलिस लगातार कह रही है कि जिसको भी प्रदर्शन करना है वो उस घंटा करके जो पार्क है वहां पर ही बैठ के प्रदर्शन करे, किसी भी प्रकार से सड़क पर ना आए क्योंकि वो जो इलाका है वो पूरा टूरिस्ट इलाका है, वहां पर बड़ा इमामबाड़ा है, जोमी गेट है जहां पर विदेशों से देश विदेश से लोग आते हैं, घूमने आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसी के चलते कहा गया था उसी पार्क में केवल आप प्रदर्शन करें। अगर प्रदर्शन की सीमा बाहर होती है, बाहर आते हैं लोग, उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसी का नतीजा है कि कल्ब सादिक कल जब पहुंचे थे तो सैकड़ों की तादाद में उनके साथ लोग आए थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जी। क्या इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई इस बीच में? देखिए, फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है, जितने भी इससे पहले एफआईआर दर्ज हुई थी 3 एफआईआर उसमें भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं दर्ज हुआ है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी का कोई प्रावधान हो। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था क्योंकि उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिसमें समाजवादी पार्टी नेता पूजा शुक्ला है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन वो लगातार उस धरना स्थल पर आ रही है। गगन हमारे साथ बने रही, हमारे साथ में मौलाना बिलाल साहब फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। मौलाना बिलाल साहब, क्या कहेंगे सरकार और पुलिस की इन कार्रवाइयों को लेकर? देखिए, जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है ये आप देख सकते हैं देश के कोने कोने से, बल्कि आप ये कह सकते हैं स्टेट से ये आज उठ चुकी है, ये जन आंदोलन है, ये किसी की लड़ाई नहीं है हिंदुस्तान। मगर आरोप यह है कि आप लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, धारा 144 का उल्लंघन किया गया, ट्रैफिक जाम की गई, यातायात को बाधित किया गया। देखिए, जनता का राइट है कि धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, ये देश की दूसरी लड़ाई, आजादी की दूसरी लड़ाई है। इस तरीके से अगर आंदोलन, इस तरीके से गवर्नमेंट कोई फैसला लेगी तो जन आंदोलन होगा, इसमें तो मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बल्कि सिख भाई भी आ चुके हैं, दलित भाई भी आ चुके हैं। मौलाना बिलाल साहब, इस बात से तो सरकार भी इनकार नहीं कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के साथ, अब इत्मीनान के साथ में, शांति के साथ में आप लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं इजाजत लेकर के पुलिस से।
मगर बिना इजाजत के धारा 144 तोड़ करके, नियमों को ताक पर रख करके, यातायात बाधित करके, दंगा करके जब करेंगे विरोध प्रदर्शन तो कार्रवाई होगी। तो आप लोगों ने अपना एजेंडा सेट कर रखा है, अब ये बताइए कहाँ पे हिंसा हुई है, इसलिए किन लोगों आपको पता होनी चाहिए किस पे। मौलाना बिलाल साहब, पुलिस ने जो कार्रवाई की है ट्रैफिक को बाधित करने के लिए, धारा 144 के नियम को तोड़ने के लिए, क्या ये सारी चीजें वहां पर नहीं हुई? नहीं, देखिए ये जन आक्रोश आंदोलन है, अगर जनता की आवाज को दबाई जाएगी तो कोई ना कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा। जनता अपनी आवाज उठा रही है, गवर्नमेंट अपनी ताकत अपनी मशीनरी के जरिए से जनता दबा रही है। इसमें जन आंदोलन शुरू हो चुका है, कोई मुस्लिम गुरु की बात नहीं है, हर एक आदमी इस हिंदुस्तान का व्यक्ति है, वो इस चीज को आगे लेकर चलेगा। यहाँ पे हिंदुस्तान के अस्तित्व की बात है, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी की बात है। आप बताइए, यहीं से गंगा बहती है, यही यमुना बहती है, हमारा हिंदू भाई उससे जाता पवित्र होता है, और मुसलमान भाई जाता है उससे वजू करके नमाज अदा करता है। ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इसको कहते हैं हिंदुस्तान। चलिए फिलहाल मौलाना बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया R9 TV के माध्यम से जुड़ करके आपने जनता तक, सरकार तक, प्रशासन तक अपनी बात रखी।